हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव एंड पीस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने बालकोनी टूर वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था अपने टमाटर का प्लांट जो मैंने लगाया था गमले में और एक प्लास्टिक के बॉटल में, दोनों में, तो उस टाइम पे अभी फ्लावर आए थे उसमें और टमाटर नहीं हुआ था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब होगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो इस टाइम पे टमाटर हो चुका है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में वही दिखाने वाली हूँ। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने मेहनत का फल पाके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इधर टमाटर लगाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी मैंने इधर गमले में ये लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है मेरा टमाटर, और बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है टमाटर, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इधर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी तो बहुत ही अच्छी तरीके से टमाटर मेरा ग्रो हुआ है और इसमें जो है एक पूरे तरीके से रेड हो चुका है। ये देखिए, ये हार्वेस्ट करने लायक हो गया है, बट मैंने अभी इसे हार्वेस्टिंग नहीं किया क्योंकि मैं वीडियो बनाने वाली थी। तो सोचा पहले वीडियो में मैं दिखा दूँ, उसके बाद मैं इसकी हार्वेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, और भी ये रेड हो रहा है, देख सकते हैं धीरे धीरे सारा रेड होगा। और फ्रेंड्स, इस गमले का जो गहराई है वो ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 8 से 9 इंच है, और उसमें ही आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है और टमाटर का साइज भी बहुत अच्छा आया है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इधर तो मैंने गमले में लगाया है, अब मैंने जो प्लास्टिक बॉटल में लगाया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बाहर के साइड में लगाया है, इधर अच्छे तरीके से धूप आता है, और इसमें भी देख सकते हैं फ्रेंड्स टमाटर हो चुका है, 4-5 टमाटर आ चुका है, और देख सकते हैं फ्रेंड्स, और अभी ये रेड नहीं हुआ है, ये भी थोड़े दिन में रेड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, और ये मैंने गमले में लगा सॉरी प्लास्टिक के बॉटल में लगाया है, फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी भी ग्रोथ हुई है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ये प्लांट का, इसमें फ्लावर भी आ चुका है, देख सकते हैं, और बहुत सारी कलियां भी हुई हैं। मुझे ये फ्लावर बहुत ही अच्छा लगता है, इसका कलर वाइट होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ। मैं यही कहने वाली हूँ कि फ्रेंड्स, हम लोग अपने लाइफ में खुशी बहुत चीज़ों से में ढूंढ सकते हैं, और हर छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुश हो सकते हैं। जैसे कि हम प्लांट लगाएं, वो ग्रो करे अच्छे से, उसमें भी खुश हो सकते हैं। हम लोग अपना पेट्स बर्ड वगैरह पालते हैं, अगर वो एग दे और उसमें से बच्चे हो, उसमें भी खुश हो सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो चीज़ मोमेंट आप मिस ना करें, हर मोमेंट में खुश रहें और बी हैप्पी फ्रेंड्स। और मैं तो हर चीज़ में खुश होती हूँ, मैं प्लांट लगाऊं उसकी ग्रोथ हो उसमें भी खुश होती हूँ, और मैंने ये टमाटर लगाया है तो इसमें से मुझे टमाटर मिल रहा है तो मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास टाइम और जगह है तो प्लीज़ आप लोग भी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लगाएं, उसकी देखभाल करें, और उससे आप लोग हेल्दी वेजिटेबल फ्रूट्स पाएं। और फ्रेंड्स, खुद से लगा के और वो जब वेजिटेबल फ्रूट्स आपको मिलता है तो उसकी बात अलग ही होती है, बहुत खुशी मिलती है। और
वो हेल्दी भी होता है, तो हेल्दी हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। तो बस मैं यही कहना चाहती थी और मैं यहीं पे वीडियो अपना ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो डालूं। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।